नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा के हैदरगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा के हैदरगढ़ में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा हैदरगढ़ थाने का औचक निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान थाने के अंदर संसाधनों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लगातार क्षेत्र में थानों का भ्रमण किया जा रहा है। उसी क्रम में आज ग्यारसपुर और हैदरगढ़ थाना पहुंचकर यहां का जायजा लिया है। लगातार क्षेत्र से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, हमारे थानों में क्या संसाधन उपलब्ध है, भविष्य में और बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अलग अलग थाना चौकी में भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र में क्या पुलिस से लोगों की जन अपेक्षाएं क्या है, उसी पर चर्चा हुई है। हम अपनी टीम के साथ बैठकर और क्या विस्तृत कार्य योजना बना सकते हैं, थानों में संसाधनों का समीक्षा कर रहे हैं और हम क्षेत्र के लिए क्या और बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा, शांति व्यवस्था बनी रहे इसे पुलिस पत्रकार समाज के वरिष्ठ नागरिकों को मिलकर प्रयास करना है। महिलाओं व छोटी बच्चियों में पुलिस का भय न हो, अपनी बात समस्या पुलिस तक पहुंचाएं। वही यातायात को लेकर आए दिन के एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती रही हैं, इसे लेकर भी कहा कि लोगों को जागरूक किया जाए। लोग नशा के गाड़ी न चलाएं, हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। यातायात को लेकर एक सवाल था सर, दुर्घटना है में लोग शराब पीकर रोड पर निकलते हैं, इस विषय पे आप बताइए। देखिए, हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और आज से ही हमने जिले में एक सड़क सुरक्षा सप्ताह, एक सप्ताह तक मनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम लोग जन जागरूकता के भी कार्यक्रम करेंगे, जो शराब पी के वाहन चालक हैं उन पर कार्रवाइयाँ भी करेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग हेड्स होते हैं, चाहे नाबालिग जो बच्चे वाहन चलाते हैं, जो बिना हेलमेट के वाहन चालक रहते हैं, ओवरलोडिंग वाहन रहते हैं, इन सब पे हमारी कार्रवाइयाँ होंगी और हम इसको आगे एक जन जागरूकता अभियान के तौर पे लेके आने वाले समय में, और प्रयास करेंगे कि इन दुर्घटनाओं पे कमी आए। जैसा आपने अवैध शराब का मुद्दा कहा, इस पे भी हम लोग सख्ती करेंगे। जो अलग अलग जगह शराब बिकती है या लोग शराब के नशे में वाहन चलाते हैं, इन पे भी हम आने वाले समय में सख्ती करेंगे।